तो बुलवाए नेता लोगों ने, पंखा बंद करिए। दोनों पक्षों के लीडर भाजपा जदयू के वरिष्ठ नेताओं ने हमको बुलवाया और हमसे क्या पनिशमेंट देगा नहीं देगा सब कुछ बोल रहे निकाल देगा तो बड़ा चिंतित थे, क्योंकि हमारा कोई ऊपर में है नहीं, अगर है कोई तो वह नीतीश कुमार, उसी को मान के हम चले गए। तो वहाँ पर बैठक हुई, सपोर्ट का बैठक हुआ, एनडीए का गठबंधन का बैठक हुआ, उसमें तारकेश्वर जी को बुला गया, हम सभी जितने लीडर थे सभी जज बने, हम दोनों मुदय मुदालय दोनों बने। बनने के बाद प्रश्न किया गया, हम बोले ये एक कहानी था, तब हमको चीर पैदा हुआ, तब मैंने बयान दिया, ऐसा जानबूझ के मैंने बयान नहीं दिया हूँ कि एनडीए गठबंधन की सरकार पर कोई असर पड़े, या तारकेश्वर राव हमारे डिप्टी सीएम इनके असर पड़ सकते, गुस्सा तो हो ही जाता है ना, लेकिन बात यह है तो आए जरूर नवगछिया, तब डिप्टी सीएम है उनके निकट कोई भी जा सकते हो, तो सरकार हो ना कोई भी जा सकते है, इसलिए वो लोग चले आए, लोजपा के लोग प्रत्याशी सब कोई हमको हराने वाला उनको सपोर्ट करने वाला निर्दलीय लड़ने वाला वो सब पहुंच गए, वो सब भाजपा ये था कैसे हम दल ज्वाइन करें, यही उद्देश्य था, और वो जानबूझ के बुलाए नहीं थे, उनको जानकारी भी नहीं था ये लोग कौन है, तो वो प्रवीण भगत के यहाँ भोजन उजन किए, उसके बाद वहाँ से चल दिए। तो फिर हमको गुस्सा हुआ, तो गुस्सा में मैंने बयान ध्यान दिया, हमको लगा क्या क्या हो रहा है, तो गए वहाँ पर, तो बैठक हुई, जजमेंट दिया गया, तारकेश्वर राव भी एहसास किए कि हमको जानकारी नहीं थी, मैंने एहसास किया हम जानकारी में बयान दिए, अब कहीं कोई बात नहीं है, सब समस्या का निदान हो गया है, हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 5 साल तक चलेगा, इसको झूठला नहीं सकता है, चाहे कोई बयान कोई देते, पेटी लेके नहीं गए थे इसका मतलब, ये सब मत पूछिए, बोझ रही मत क्या लेके गया नहीं ले गया, अब मैं नहीं बोल सकता हूँ, बोलने का बहुत बोल दिया। वहाँ बैठक में कौन कौन थे? अरे बैठक में बोल दिए तो भेग में फरियाते क्यों भाई, यहाँ के पत्रकार वहाँ के पत्रकार पूछेंगे वहाँ बताएंगे, अब बताए ना कौन, आप तारकेश्वर जी से पूछ सकते हैं, वहाँ के बैठक में डिप्टी सीएम थे, श्रवण कुमार जी थे, विजेंद्र बाबू थे और विजय चौधरी जी थे, हम थे 5 आदमी थे, उधर से पूरा भाजपा के तो मुख्यमंत्री आ गए, इधर से 3 लीडर थे, पहले आपस में बातचीत कर लिया, उसके बाद इसका निष्पादन कर दिया, अब कोई बयान देना नहीं है, बयान देंगे दूसरी बात पर देंगे। लेकिन आपके पक्ष में महागठबंधन के कई लोगों ने बयान दिया कि आप जो बोल रहे हैं उसमें कहीं सत्यता है? सत्यता है, सही बात है भाई, हम गरीब आदमी बोल दिए ना, हमारा कोई वकालत कर, सम्राट चौधरी का वकालत हमने, उनके पिताजी हैं, छठर भी हो जाएंगे तो उनको मान के चलेगा, हमारा कोई पिताजी नहीं, हमारा कोई है तो नीतीश कुमार, वो हमको जान मार दे, मंत्री बनने वाले थे नहीं बना, उस योग नहीं समझे, अब नहीं बनने वाले हैं कुछ तो नहीं बना दे, लेकिन 4 बार तो मैंने चुना, और ये तो बाहर बात जान लीजिए, मैं पूरे बिहार का राजनीति करता, अब भागलपुर जिला को मैं जोतता, भागलपुर जिला में जोर घटाओ भाग गुना भाग जितना होता है, जितना मजबूत हमारा है, बड़े बड़े लीडरों का बने, कौन एमपी जीतेगा तो वो बता दूंगा, कौन एमएलए जीतेगा तो बता, वो हार जीत का राजनीति मैं नहीं करता हूँ, और उतने बिहार का मैं नेता हूँ, अति पिछड़ा का नेता हूँ, स्वजाति मंडल जातियों का नेता हूँ, हमारा वर्चस्व है, लेकिन कोई मानने वाला तैयार नहीं, हमको मानता ही नहीं है, 4 बार मैं चुनाव जीता, कितने को मैंने एमपी बनाया, कितने को एमएलए बनाया, ये तो मेरा कर्म है, उत्तरी बिहार का मैं नेता हूँ, इसको कोई झूठला नहीं सकता। कौन नहीं मानते आप तो अपने पार्टी? अरे भैया कोई बात होता है तो कभी सस्पेंड कर देना, कभी धमकी देना, अब इनको दल से निकाल देगा, ऐसे ही सब ना, हमारा कोई गार्जियन रहता तो कोई बोलता। विधायक जी, कहा जा रहा है कि बीजेपी के दबाव में विधायक जी बैकफुट पर आ गए। ना ना ऐसा कोई बात नहीं, ऐसे झूठ लाइए, बीजेपी कोई दबाव, बीजेपी हमारा नेता, हमारे नेता है मुख्यमंत्री जी, उनके दबाव में आ गए, तो इसका मतलब जदयू के दबाव में आप बैकफुट पर आए हैं? दबाव में नहीं आए, अरे समझौता कर लिए, 5 साल सरकार चलाना है, दोनों तेजस्वी का सरकार बना देंगे, बनने देंगे, विस्पान कर लेंगे,
लेकिन हमारी सरकार आदरणीय नीतीश कुमार आगे। आई लव यू तारकेश्वर बाबू, जहाँ कहीं भाई आपसे मैं हिंदी में प्यार करता हूँ, अंग्रेजी में आई लव यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।